Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. देश को कई इंजीनियरिंग मार्वल्स देने वाले इस महान इंजीनियर ने 1932 में कौन सा डैम बनाया जिसे आज हर साल लगभग 20 लाख लोग देखने आते हैं। आइए देखते हैं। बचपन में स्कूल पहुंचने के लिए रोज लंबा सफर पैदल तय करने वाले मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाला सब्जेक्ट साइंस बहुत फैसिनेट करता था। विश्वेश्वरैया जी, जिनको प्यार से उनके जानने वाले विश्वा बुलाते थे, दिखने में दुबले पतले से थे, पर अपने ज्ञान के माध्यम से दुनिया बदलने की चाह रखते थे। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग में टॉप करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी शुरू कर दी और विश्वा जी ने कुछ ही महीनों में अपने ज्ञान का कमाल दिखा दिया। 1884 में जब महाराष्ट्र के दत्तारी गांव के लोग सूखे से जूझ रहे थे तो वो वहां पहुंचे और पास की पंजरा नदी से पानी साइफन कर दत्तारी गांव तक पहुंचाने का प्लान बनाया। लेकिन इस काम को अंजाम देना आसान नहीं था। विश्वा जी, जो घोड़े पर बैठकर काम पे जाते थे, एक दिन मूसलाधार बारिश की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट से वापस अपने कैंप साइट नहीं आ पाए। वहां जाने के लिए उन्हें पंजरा नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन अचानक आई बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई और विश्वा जी बीच में ही अटक गए। उनका वापस जाना साइफन के काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। अब वो क्या करते? जब दो दिन बाद भी नदी का पानी कम नहीं हुआ तो विश्वा जी ने तैर कर नदी पार करने का फैसला किया और वो आखिरकार अपने कैंप साइट पहुंच गए और जोरों से साइफन का काम फिर से शुरू कर दिया। ऐसी थी उनकी अपने काम के प्रति लगन। हाल ही में कॉलेज से पास आउट हुए विश्वा जी ने अपने किताबी ज्ञान को बहुत सहजता से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके साइफन के जरिए गांव वालों की समस्याएं सुलझा दी। विश्वा जी अपनी इंजीनियरिंग स्किल से भारत की पानी संबंधित समस्याएं दूर करना चाहते थे। अपने इसी सपने की तरफ काम करते हुए उन्होंने अपने पब्लिक करियर में कई वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और इरिगेशन सिस्टम्स डिजाइन किए। इंदौर, ग्वालियर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में आज भी उनके द्वारा डिजाइन या एडवाइस किए गए वाटर सप्लाई सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। 1909 में मैसूर के दीवान ने उन्हें राज्य के चीफ इंजीनियर की पोस्ट ऑफर की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। इस दौरान मैसूर एक भयंकर सूखे से गुजर रहा था, जिसे बाहर निकालने के लिए मैसूर के महाराजा ने विश्वा जी को कावेरी नदी पर एक डैम बनाने का काम सौंपा। एक डैम बनाने का जिम्मा उठाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन विश्वा जी अनुभवी थे और एक टीम लीडर भी। उन्होंने कड़ी मेहनत, कोऑर्डिनेशन और अपने सभी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हुए 21 सालों में ये डैम बनाया। 1932 में खुला कृष्णा राजा सागरा यानी KRS डैम आज भी भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। जो मैसूर राज्य सूखे से जूझा करता था, वहां KRS डैम बनने के बाद गन्ने जैसी ज्यादा पानी की मांग वाली फसलों की खेती भी शुरू हो गई और कोलार गोल्ड फील्ड्स को बिजली पहुंचाने का काम भी इसी डैम की वजह से संभव हो पाया। विश्वा जी के शानदार काम को देखते हुए फिर मैसूर के महाराजा ने उन्हें मैसूर का दीवान नियुक्त कर दिया और विश्वा जी ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में शिक्षा के क्षेत्र पे फोकस करते हुए कई टेक्निकल कॉलेजेस की स्थापना की। भारत सरकार ने इस महान इंजीनियर को देश में कई इंजीनियरिंग मार्वल्स बनाने के लिए 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, 15 सितंबर को उनके जन्मदिन पर हर साल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। विश्वा जी का मानना था कि असली सेवा तभी प्रदान की जा सकती है जब उसमें कुछ ऐसा भी हो जो पैसों से खरीदा या तौला नहीं जा सकता।
विश्वा जी ने सेवा भाव और अपनी कड़ी मेहनत से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी और भारत को उन्नति की राह पर ले गए।